आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे कि बमों का इस्तेमाल पेड़ उगाने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन ये बम बारूद वाले नहीं है बल्कि बीज बम है। शाहजहांपुर में पेड़ों को संरक्षित और वृक्षारोपण के लिए काम करने वाली संस्था हरित वसुंधरा सोसाइटी ने बीज बम के जरिए वृक्षारोपण का अनोखा अभियान शुरू किया। संस्था के सदस्य बीज बम बनाकर खाली और उपजाऊ जमीन पर फेंक कर और उन्हें मिट्टी में दबाकर छोड़ देते हैं, जो बरसात होने पर अंकुरित होकर पौधा बन जाते हैं। ये गोले मिट्टी और गोबर मिलाकर बने हैं, जिसके अंदर अर्जुन, नीम, अमलतास और शीशम के बीज रखे गए हैं और उन्हें धूप में सुखाया गया है। पेड़ों को बढ़ाने के लिए संस्था के इस प्रयास की हर तरफ सराहना की जा रही है। सबसे पहले हरित वसुंधरा सोसाइटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो कि हरित वसुंधरा सोसाइटी है काफ़ी एक्टिव है, हर जगह प्लांट्स का ये कार्य करती रहती हैं। मैं भी देखता रहता हूँ इनके सोशल मीडिया माध्यम से, मैं इनका देखता भी रहता हूँ। ये जो सोसाइटी पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी है और अच्छा कार्य भी कर रही है, और मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से लोग जुड़ के आगे पर्यावरण के लिए बचाने का कोशिश करें। मैं तो ये समाज को, सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर इस सोसाइटी के माध्यम से जुड़े और आगे चल के आगे पर्यावरण को बचाएं। हाँ, ये मध्य प्रदेश की एक तकनीक है। मध्य प्रदेश में बीज बम बनाने का जो कार्यक्रम है काफी चला है, अभी तक उत्तर प्रदेश में लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस तकनीक को यहाँ भी इस्तेमाल किया जाए। बीज बम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले हम मिट्टी और गोबर को मिलाकर उसके गोले बना लेते हैं, जिसको बीज बम भी कहते हैं। मकसद की अगर बात की जाए तो आपको जानना चाहें, बताना ही चाहेंगे कि पर्यावरण हमारा धीरे धीरे जो कमजोर होता चला जा रहा है। पर्यावरण में जो लगातार पेड़ कट रहे हैं और जो कहीं ना कहीं हमारा जो वायुमंडल है दूषित होता जा रहा है, इसके लिए एक अच्छी टेक्निक है, हमें डायरेक्ट पेड़ लगाना नहीं होगा।